बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से झूठ बोलते पकड़े गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने इतनी सफाई से झूठ बोला है कि किसी को भी उनकी बात पर यकीन हो जाए, मगर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने मोहम्मद यूनुस को बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी को धोखा दे रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई थी। पीएम मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर बेहद चिंतित थे। पीएम मोदी ने कई बार मोहम्मद यूनुस से कहा कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ड्रामा करने के लिए बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पहुंच गए। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को फोन पर बताया कि अब सब कुछ ठीक है, हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। लेकिन जिस दिन मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया, उसके कुछ घंटों बाद ही इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ढाका कॉलेज के हिंदू छात्रावास पर हमला कर दिया, छात्रावास में स्थित मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। हमले के दौरान कट्टरपंथियों ने छात्रावास से कीमती सामान भी चुरा लिया। हिंदू छात्रावास पर तब हमला हुआ जब मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी को भरोसा दे रहे थे कि हिंदू सुरक्षित हैं। लेकिन आपको बता दें कि असली धमाका तो इसके बाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का जिक्र कर दिया है। इस रिपोर्ट ने मोहम्मद यूनुस के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश के 27 जिलों में ऐसे हमलों और लूट का जिक्र हुआ है जिनमें हिंदुओं और मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में आगजनी का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर झूठ बोल रहे थे। हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में बेहद खराब है। अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि सरकारी दफ्तरों और कॉलेजों में जो हिंदू काम कर रहे हैं उनसे जबरन इस्तीफे मांगे जा रहे हैं।